Hello everyone, this is Dr. Sheetal Pandey. I'm a fertility and IVF consultant at VedaCare. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स इन अर्ली प्रेगनेंसी. सो सबसे पहला साइन जो हम जानते हैं अर्ली प्रेगनेंसी का होता है पीरियड्स का मिस हो जाना. सो इन दोज वेमेन वो हैव रेगुलर साइकिल्स, मे बी 28-30 डेज और मे बी लिटिल मोर देन दैट. तो दोज वो हैव रेगुलर साइकिल्स, यदि उनके मेंसेस 2 से 3 दिन ओवरड्यू हो जाते हैं तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट. यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स हमें पता है कि इजीली मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल होती हैं. सो हाउ टू डू द प्रेगनेंसी टेस्ट, वी नो दैट बेस्ट इज टू यूज अ अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन सैम्पल. व्हाई फर्स्ट यूरिन सैम्पल, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग रेस्ट स्लीपिंग ऑल नाइट तो उस समय पर आप एक्सेसिव कोई वाटर इनटेक नहीं कर पा रहे होते हैं इन कंपेरिजन टू डे. सो द यूरिन सैम्पल इज वेरी वेल कॉन्सेंट्रेटेड. यूरिन सैम्पल कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से वो आपको प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड करता है. बट यदि इन केस फॉर सम रीजन आप फर्स्ट मॉर्निंग सैम्पल से प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर पाए हैं, देन इट इज़ ओके, यू कैन स्टिल डू इट विद द रूटीन अदर यूरिन सैम्पल अवेलेबल इन द डे. यदि किट पे कोई फेंट लाइन आती है या किसी किस्म का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग में फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैम्पल से टेस्ट कर सकते हैं और इफ़ रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट बीटा एचसीजी करके भी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट विल बी द कॉमन साइंस जो एक वुमन फेस कर सकती हैं व्हेन शी हैज जस्ट गॉट प्रेग्नेंट. वंस यू गेट प्रेग्नेंट इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, फीमेल में फील दैट दे आर फीलिंग लिटिल ब्लोटेड और लिटिल हैवीनेस इन द लोअर टमी, समटाइम्स इन द राइट और समटाइम्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द टमी, इन द फ्लैंक्स क्रैम्प्स फील होना, ऐसा फील होना. समटाइम्स वेमेन से दैट एज इफ आई एम गोइंग टू गेट माई मेंसेस एंड आई अश्योर देम दैट दिस इज़ वेरी अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी. यू मे फील लाइक बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर मेंसेस. सो लिटिल टमी डिस्कम्फर्ट इज सो वेरी कॉमन. एट द सेम टाइम ब्रेस्ट का हैवीनेस फील होना या ब्रेस्ट में पेन होना और थोड़ा बहुत बैकेक होना, ये वेरी अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी हैं जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में फील होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अबाउट दी सिम्टम्स विच आर कॉमनली कॉल्ड एज मॉर्निंग सिकनेस, दैट इज फीलिंग ऑफ नौशिया, वॉमिटिंग या वीकनेस महसूस होना, बहुत ज़्यादा कमजोरी का एहसास होना, हाथ पैरों में दर्द होना, बॉडी एक होना, ये जो सिम्टम, गिडीनेस होना, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, ये जो सिम्टम्स होते हैं नियरली 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद और कॉमनली 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद मोस्ट ऑफ द वेमेन को स्टार्ट हो जाते हैं. ये सिम्टम्स होते हैं बढ़ते हुए बीटा एचसीजी हार्मोन की वजह से. नॉर्मली जो बीटा एचसीजी वैल्यू फीमेल के ब्लड में लेस देन 5 यूनिट पाई जाती है, वो बीटा एचसीजी वैल्यू थाउजेंड्स में होती है और हर 48 आवर्स में नियरली डबल हो रही होती है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट. सो बिकॉज ऑफ सच इंक्रीजिंग बीटा एचसीजी लेवल जो थाउजेंड्स में जाती हैं, समटाइम्स लैक को भी टच कर लेती हैं, जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें जो वॉमिटिंग सेंटर होता है जिसे हम सीटीजेड कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो इरिटेट होने लगता है, जिस वजह से वुमेन को फीलिंग ऑफ नौशिया एंड वॉमिटिंग एंड समटाइम्स वीकनेस एंड गिडीनेस आने लगता है. सो इट इज़ टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल बिकॉज बीटा एचसीजी आपके ब्लड में हर 48 आवर्स में डबल हो रहा है. ये सिम्टम्स आफ्टर 6 to 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट होकर बढ़ते ही जाएंगे विद द टाइम एंड दे विल बी एट पीक अराउंड 9 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान. आफ्टर 9 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बीटा एचसीजी का रैपिड राइज जो होना होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है. 12 वीक्स के बाद बीटा एचसीजी वैल्यू जो होती है वो प्लेट्यू पे चली जाती है और उसके बाद फर्दर इंक्रीज नहीं होती है, प्लेट्यू जो होता है वो मेंटेन होता है. दैट्स व्हाई आफ्टर 9 to 10 वीक्स का पीक मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स, 12 वीक्स के बाद ये सिम्टम्स धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाते हैं एंड आफ्टर 16 वीक्स जो अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ को करस्पॉन्ड करता है, मोस्ट ऑफ द वेमेन का नौशिया, वॉमिटिंग एंड अदर वीकनेस एंड गिडीनेस के सिम्टम्स नियरली नहीं के बराबर हो जाते हैं एंड देन दे आर वेरी कम्फर्टेबल. सो बट वॉट टू डू विद दिस मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स. सो वेन यू कंसल्ट योर गायनेक दे लेट यू नो दैट दे गिव यू सर्टन वाइटामिन्स. फर्स्ट दे लेट यू नो दैट इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, इट विल गो अवे ऑन इट्स ओन टू मेक यू कम्फर्टेबल, ताकि आप अपनी दिनचर्या कर सकें, अपने घर का काम कर सकें, यदि आप ऑफिस में वर्किंग हैं तो वहाँ के जॉब को अच्छे से निभा सकें एंड यू शुड फील कम्फर्टेबल. के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, मोस्ट कॉमनली एक वाइटामिन प्रिस्क्राइब किया जाता है जिसका नाम डॉक्सिनेट होता है, डॉक्सिलामीन कॉन्टेंट का, जो नियरली मोस्ट ऑफ द वेमेन को मोर देन 50% सिम्टम्स रिलीव कर देता है एंड देन दे आर वेरी कम्फर्टेबल.
जो वेमेन उससे के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे होते हैं उन्हें कुछ स्पेसिफिक एंटीमाइटिक ड्रग्स दी जाती हैं बाय द डॉक्टर विच आर वेरी वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी. बेबी डज नॉट सफर, बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट इट. डू कंसल्ट योर गायनेक एंड टेक द राइट मेडिसिन फॉर द सेम. एंड आई डेफिनेटली वॉन्ट टू ऑल्सो मैंशन अबाउट हाइपर एमासिस ग्रेविडेरम. कुछ वेमेन को प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वॉमिटिंग होती हैं टू द एक्सटेंट कि वो एक ग्लास पानी भी नहीं पी पाती. दे रीच अ स्टेज ऑफ नियरली स्टारविंग और उनकी हेल्थ डिटोरिएट होने लग जाती है. इस सिचुएशन को हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं. इस सिचुएशन में पेशेंट को जस्ट टैबलेट्स देके घर भेजना सेफ नहीं होता है क्योंकि पेशेंट्स उन टैबलेट को भी अच्छे से खा नहीं पाएंगे. इन सिचुएशन में पेशेंट को एडमिट करके इंजेक्टेबल फ्लूइड्स दिया जाता है. इन 2 to 3 days टाइम दे बिकम वेरी कंफर्टेबल, दे स्टार्ट ईटिंग एंड देन दे आर ऑल फाइन और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी. इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट इट डू पोस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.